हर एक चुनाव में एक मुद्दा होता है और कच्ची बस्तियां खासकर एक मुद्दा होती है। फिलहाल दावे किए जाते हैं सरकारों की ओर से और पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से कि उनका विकास होगा, पुनर्वास होगा और अच्छा जीवन यापन वो कर सकेंगे। लेकिन अगर बात करें राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में करीब 350 के आसपास कच्ची बस्तियां हैं। कुछ जेडी क्षेत्र में आती है और अधिकतर नगर निगम के क्षेत्र में आती है। लेकिन कच्ची बस्तियों के सुधार को लेकर कितने कार्य हुए हैं, ये तो आज भी जो ये कच्ची बस्तियां हैं उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिलहाल कच्ची बस्ती क्षेत्र के यहाँ पर टीला नंबर 5 में मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर कच्ची बस्ती के लोग हैं। और फिलहाल यहाँ पर कई कॉलोनी ऐसी है जहाँ पर लोग आज भी उन मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। आप बताएं, पहले आपका नाम बताएं, किस तरह की समस्याएं आती है कच्ची बस्तियों में और क्या होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है। मेरा नाम सुरेश कुमार सैन है और टीला नंबर 5 पे रहता हूँ। कच्ची बस्ती की जो मेन समस्या है वो है यथास्थान आवास की व्यवस्था को लेके, और यथास्थान आवास की व्यवस्था 50 गंज के भूखंड में स्थापित हो जाती है तो सारी समस्या को हल अपने आप हो जाता है। लेकिन जितने भी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमेशा लोग लुभावने देकर के यूज एंड थ्रू वोटों को, बैंक को बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए आते हैं और उसके बाद में सब सटक जाते हैं। इसके बाद में कई मिनट के दर्शन नहीं होते हैं। अब की बार भी चुनाव में यही प्रक्रिया है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने वो सर्वे वाले प्रावधान लाए थे, तो काफी लोगों ने अपने ऊपर उसमें सर्वे का फार्म में भरे थे। पूरे राजस्थान के, पूरे जयपुर शहर के अंदर भी एक भी कच्ची बस्ती का नियमन नहीं हुआ और उसके बाद में वो सरकार चलेगी। इस प्रकार से हमने कच्ची बस्ती की मांग की कि कच्ची बस्ती का एक बोर्ड बनना चाहिए। जिस प्रकार से सैन समाज के लिए बोर्ड बना है, देवनारायण बोर्ड बना है, इस प्रकार कच्ची बस्ती को एक आयोग बनना चाहिए, बोर्ड बनना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जयपुर में कच्ची बस्तियां हैं, किस तरह की समस्याएं यहां पर लोगों को आती है। मैं महेंद्र कुमार खाचरेवा टीला नंबर 5 से। कच्ची बस्ती के अंदर तो आए दिन की समस्या ही समस्या, गंदा पानी आना, सिविल लाइन का नहीं होना, और सबसे मेन मोटी कच्ची बस्ती को यथास्थान पे बसाने की जो है हमारी, ये सबसे बड़ी मेन समस्या है। अगर इसको यथास्थान पे बसा देते हैं तो हमारे रिश्ते नाते वाले जो आने जाते हैं, जैसे बच्चों के रिश्ते नहीं होते, अगर उनसे कहेगा साहब हम जो टीला नंबर 5 जवान अगर कच्ची बस्ती में रहते हैं तो रिश्ते वाले ना कर देते हैं, वहां आने के लिए हानि करते हैं और बच्चों की जो है काफी उम्र हो जाती है। सबसे मेन मोटी बात यही। आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं हर व्यक्ति का सपना होता है कि सारे जो अधिकार हैं उसे मिले और मूलभूत सुविधाएं खासकर उसे मिले, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो या फिर लाइट, बिजली, पानी, सारी चीजें। किस तरह की समस्याएं हैं और क्या यहाँ पर जब चुनाव होते हैं, चुनाव से एन वक्त पहले जो प्रत्याशी होते हैं वो वोट मांगने के लिए भी आते हैं क्या? कच्ची बस्ती से MBBS में भी लोगों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जो सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। कच्ची बस्ती सुधार से जुड़े हुए जयपुर नगर निगम के चेयरमैन रहे हैं संतरा वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप जनप्रतिनिधि रहे हैं और खासकर जो यहाँ की समस्याएं हैं, कच्ची बस्तियों की समस्याएं हैं, उनके लिए आपने कितना क्या कुछ प्रयास किया? मैं तो देखो सब कुछ कर दिया, वो सड़क बना दी, नहीं पानी और बड़ो काम तो मस्त तो काम तो समय तो और बड़ो काम तो बड़ा ही कराए, तो सरकार का बड़ा काम सरकार ही कराए। मतलब आपके जो हाथ में था वो आपने प्रयास किया, कुछ और लोग हैं हमारे साथ। किस तरह से एक जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए, क्योंकि जनता वोट देती है और वोट जब दिया जाता है तो लोग ये देखते हैं कि उन्हें बिजली मिले, पानी मिले और साफ सुथरी, और अगर चिकित्सा की व्यवस्था हो, तो किस तरह से प्रयास सरकार को करनी चाहिए? जयपुर शहर में कच्ची बस्तियां बहुत हैं, हालांकि ये कहना पड़ेगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, पार्षद जो हैं, पार्षद के लेवल के काम जैसे सड़क है, सफाई है, नाली है, यहाँ तक कि बिजली और पानी तक के काम भी ये पार्षद ही देखती हैं। और यहाँ इन छोटी छोटी समस्याओं का तो कोई इनको ज्यादा वो दिक्कत नहीं होती है पब्लिक को। एक मुख्य समस्या है यहाँ यथास्थान नियोजित ढंग से बसाने के लिए 50 गज में और चार चार मंजिल के फ्लैट बना जाए, उसमें आराम से लोग रह सकते हैं और यहाँ बड़े आराम से ये रह भी सकते हैं। आप बताएं, पीने का पानी भी ढंग से नहीं होता, जितना भी आती है तो गंदगी आती है, इतना बदबू आती है, तो पास जाना मुश्किल होता है, ऐसा मुश्किल होता है, पास जाना मुश्किल होता है, इतना गंदा पानी आती है। और थोड़ा बहुत आती है कभी ढंग से तो पानी आता नहीं, पहले तो अच्छे पानी आते लेकिन इतना दिक्कत नहीं था, अभी 1-1.5 महीने से बहुत परेशानी हो रही है पानी की। आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपका नाम बताएं और बताएं किस तरह की समस्या। निखिल नाम है, बताएं किस तरह। हमारे यहाँ तो पानी की दिक्कत है, ये पानी गंदा आ रहा है 2 महीने 1 महीने से,
पानी नहीं है, एक टाइम होता तो एक टाइम गायब होता, दो दिन में गायब हो जाता है। हमारे को पानी की समस्या है, ये सड़क की समस्या है, गंदगी आ जाती है, बस ये सफाई होना चाहिए और हमारे को तो यही रहना चाहिए, ये सही रखे बस इतना ही चाहिए मेरे को। आपसे जाना चाहेंगे आप बताएं। मेरा सर अब सिविल लाइन भी नहीं दिया, यहाँ से सिविल लाइन कट दिया, इन लोग बोल रहे हैं पड़ोसी किया, पड़ोसी को बोलो आप सब कुछ का जिम्मा ले रहे हो तो आपको जिम्मा है ना, हमारे तरफ नहीं सिविल लाइन है नहीं पानी का सुविधा है, कुछ भी नहीं है हमारे तरफ। मैं यार तो बहुत परेशान हूँ, यहाँ से घर लेके वहाँ तक हद से ज्यादा परेशानी हूँ, सिविल लाइन का खड्डा खोद खोद के परेशान हो गया, भर जाता है यहाँ तक आया भर जाता है, यहाँ से इधर आने ही नहीं दिया। समस्याएं बहुत कुछ है लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव है, वोट जब दिया जाता है तो ये देखते हैं कि जो भी नेता बनेगा, जो भी मंत्री बनेगा, वो हमारी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनको समाप्त करेगा। लेकिन फिलहाल आप किस तरह की समस्याएं आपकी बस्ती में है? सभी समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है, क्या करें, इधर से धक्का इधर लगता है, इधर से धक्का इधर लगता है, और एक दूसरा बाहर जाते हैं तो गेट बंद कर लेते हैं, एक पानी का बर्तन खुद के नहीं भरता, दूसरा कहाँ से भरा। लेकिन जब यहाँ पर नेता आते हैं तो उनसे आप किस तरह की बात करते हैं? सब पानी के लिए सब देखे आश्वासन भग जाते हैं, तब जीतने के लिए तो सब आ जाते हैं और जब आते हैं जब सब भग जाते हैं। समस्याएं कई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, जो कच्ची बस्तियों की स्थिति है सब जानते हैं, दो चार यहाँ के जो लोग हैं वो होते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं, आप बताएं जरा कि क्या समस्याएं हैं, और क्योंकि आप यहाँ पर कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, बताएं। सालों से बहुत सालों से रह रहा हूँ इधर, बहुत परेशानी है, पानी का बहुत दिक्कत हो रहा, गंदे को भी गंदी पानी दे रहा, अब क्या करें, समस्या यही है। गरीब के लिए तो कुछ करते ही नहीं है, ना पेंशन का कोई जुगाड़ नहीं कर रहा, कई बार दो बार दोपहर उनके आया बोला अभी टाइम नहीं हुआ, न रेशन कुछ मिलता न जुलता कुछ भी नहीं है, बस यही तो है मेरा, परेशान हूँ गरीब का। यहाँ पर कुछ और लोग हैं उनसे फिर हम जुड़ना चाहेंगे कि किस तरह से जो समस्याएं होती है और लोग यहाँ पर समस्याओं को रखते हैं जनता के सामने, और जनता किस तरह से, जनप्रतिनिधि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो किस तरह से उस चीज को रख पाते हैं, आप बताएं, आपसे जानना चाहेंगे हम, तरह की समस्याएं सामने आ रही है। पानी बिजली की समस्या है हमारे, ज्यादातर ये है कि ये बस्ती का विकास हो जाए, हमारे को ये निवास है यहाँ की, हमारे को पट्टा मिल जाए तो हम सारी सुविधाएं खुद मकान बढ़ा सकते हैं, खुद अच्छे जो लोग रहते हैं उनकी तरह अच्छे ये नर की जिंदगी सब निकल जाए। अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, अब लोकसभा के चुनाव होने हैं 29 तारीख को और 6 तारीख को, आप क्या मानते, क्या आप वोट देते हैं जी, क्या सोच के वोट देते हैं कि कौन सा नेता चुना जाए, क्या मानते हैं कि वो आपके लिए कच्ची बस्तियों के लिए क्या करे? यही सोच के करते हैं भाई, जी ये नेता चुन के जाएगा तो ये हमारा भविष्य बनाएगा, यहाँ की समस्या को समाधान करेगा। हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और आप बने रहिए जन टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल हमारा जो मुद्दा इस लोकसभा में कच्ची बस्तियों का किस तरह से सुधार होगा और कैसे उन लोगों को अपना न्याय मिलेगा, यहाँ पर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप यहाँ कच्ची बस्ती में कई सालों से रह रहे होंगे लेकिन क्या कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ की? हमको सही वो पानी के सब सही है और लेटिंग बदम सब सही है, बस भरना वाला नहीं सही है, बार बार भर जाते हैं, बार बार खुल देते हैं, बार बार बंद कर देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ को नेता आते हैं जिनको आप कहते हो? नेता तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जब कुछ काम होता है सब नेता आ जाते हैं, जब काम हो जाता तब सब भाग जाते हैं, और क्या बोलेंगे। वोट दोगे, आपकी वोट की ताकत है, आप वोट देते हो, नेता चुने जाते हैं और वो जो नेता होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो ही आपकी हर समस्याओं को समाधान करेंगे, आप क्या मानते हो, क्या कुछ समस्या है यहाँ? यही समस्या है, पानी नहीं है, गदर नहीं है, मक्का उधर आया है नहीं है, गदर का सिंगट, यही दिक्कत है, बहुत पानी की दिक्कत है, समस्या है। आप बताएं किस तरह की समस्याएं हैं, कई सालों से आप वोट दे रहे होंगे और आपको अपना मनवाफी का जनप्रतिनिधि मिला या नहीं मिला, लेकिन आप क्या मानते हो कि किस तरह से ये जो कच्ची बस्तियों की समस्या है वो दूर होगी और लोगों को जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं वो भी देखते हैं कि अच्छा मकान हो, उनके भी बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़े, वो भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम ना रहे, क्या मानते हैं, क्या समस्या है? अरे तो जब मोदी जी आए थे ना, जब हमने वोटों में हर जगह सुना था कि अच्छे दिन आएंगे, मैं वो आज लगता है 40 साल से मैं तो इस जमाने की कच्ची बस्ती की हालत डाउन होते हुए देखता हूँ, मैं आज तक कभी अच्छे दिन नहीं आए, और मैं बोलता है आने वाले 10 सालों में आगे भी नहीं,
तो ये भी पाइप लाइन डली ना अपनी बड़ी वाली अभी डली है, सब कुछ डली है, पाइप लाइन डली है, उसकी चेक भी की भाई आपने एक फुट पे डाल दिया फुट, उसकी चेकिंग वगैरह सब कुछ हुई, मगर उसके आने बाद में ये पानी जो रेगुलर आ रहा था टाइम टू टाइम भाई जरूरतमंद के हिसाब से वो भी बंद हो गया। आपने बाकी अच्छे दिन आएंगे तो क्या आप नाराज हैं केंद्र सरकार? नाराज नहीं मुझे, नाराज नहीं, अच्छे दिन आएंगे, कभी ये बुरा मत मानो। अब मैं ये डूंगर भी चढ़ गया सारे उतर गया, तार नहीं है तो क्या कब कब अच्छे दिन आएंगे? मतलब सपने दिखाते हैं, वो सपने केवल धरातल पे कभी नहीं आते, ऐसा ही है कुछ। अब क्या सोचते हैं इस बार आप वोट दे रहे हो, लोकसभा का चुनाव होना है आपने, जयपुर में भी वोट डाले जाएंगे, किस तरह का नेता चाहिए आपको? स्ट्रॉन्ग के हिसाब से तो मोदी, क्योंकि आज जो 47 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो किया है मोदी ने, वरना आए दिन बॉर्डर पे कलम गर्दन उतार के ले जा रहे पाकिस्तानी, कभी क्या लेके जा रहे हैं किसी ने जवाब नहीं दिया, शायद 47 बाद में कोई मर्द पैदा हुआ है, क्या तो महाराणा प्रताप हुए थे या फिर दूसरा मोदी हुआ है। मतलब आप अभी पीएम जो नरेंद्र मोदी है उनके नारे लगा रहे हैं, क्या मानते हैं कि, लेकिन फिलहाल देश अब फिलहाल चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं, फिर से नए नेता चुने जाएंगे, हालांकि कतार में नरेंद्र मोदी भी हैं, क्या मानते हैं कैसा नेता मिलना चाहिए? नहीं अब तो इस बार तो मोदी को ही आना चाहिए, इस दोबारा आना चाहिए मोदी को आना, क्योंकि अब तो उसके थोड़ा काम अच्छा देख रहे, अच्छा हो रहा है, हर जगह में हो रहा है, गाँव गाँव में सब कुछ हो रहा है, तो बस मोदी आ जाए तो जो भी काम नहीं हुआ तो इस बार हो जाएगा है ना, तो इसलिए मोदी आना चाहिए। आप क्या मानते हैं? मोदी को मानते हैं, मोदी को चाहते हैं, मोदी सब कुछ, हाँ सब कुछ मोदी को ही चाहते हैं, मोदी 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 आ जाए तो सही है। आपकी जयपुर के लिए कुछ किया मोदी ने, आपकी कच्ची बस्ती के लिए कुछ किया? वो बहुत थोड़ा बहुत किया और लगता है कि और भी करे, आशा तो ये है। पहले तो हम झोपड़ी में आया तब तो और भी ज्यादा खराब था, अब तो थोड़ा ठीक है बहुत, बस ये समस्या है कि पानी बहुत गंदा पानी आता है, पानी पीने का लायक नहीं है, ऐसा है वही बस ठीक ठीक है, जैसे रह रहे भगवान चाहे तो और भी अच्छा होएगा, बस मोदी आने से फिर ठीक हो जाएगा। जितना अच्छा स्वच्छ भारत अभियान आपको पता है कि सफाई को लेकर एक अभियान चला था पूरे देश भर में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, अच्छा रिस्पांस भी उसका आया है, लेकिन फिलहाल अभी भी लोग ये कहते हैं कि सफाई नहीं होती जयपुर में, समस्या है। देखो सफाई तो होती है, लोगों को करना चाहिए भाई, लोगों आप बताएंगे पहले से तो बेहतर है मोदी साहब आने से, तो उसी चाहते हम तो चाहते मोदी साहब आ जाए, हम तो यही चाहते हैं, आगे ऊपर वाला के तैयार है, उससे आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते, और भी पब्लिक है, हम तो अकेले पब्लिक नहीं है, बस्ती का पब्लिक और भी जगह जगह में पब्लिक है, पब्लिक के पास वोट का ताकत है, वोट का ताकत हम तो चाहते ही है मोदी साहब जीते, मोदी जीते आप भी चाहते हो, आप बताएं क्या किस तरह की समस्या है यहाँ पर, क्योंकि आप भी कई सालों से रह रहे हो, वोट भी आप देते हो तो समस्याएं बताएं यहाँ की, क्योंकि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो कई बार ये सड़क नहीं है, आप बताएं समस्याएं बताएं, पानी की समस्या बस कुछ भी नहीं, चलिए यहाँ पर समस्याएं बहुत है, कुछ और लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, आप बताएं आपसे फिर एक बार जुड़ना चाहेंगे हम, ये मैंने ये हालात देखे हुए इसी बस्ती के लोग बर्तन में पानी भर लेते थे, ऊपर से क्या आ रहा है, क्या मतलब कोई भी केमिकल आ रहा है एक्स वाई जेड क्या आ रहा है, उसको जमने का इंतजार करते हैं लोग वक्त ताकि कुछ कचरा जम जाए ऊपर से पी ले, वो वाला देखे हुए उसे थोड़ा बेहतर हुआ भी आगे, मगर अभी भी थोड़ी बाकी है, बाकी ये जो पाइपलाइन डली है ये जो अपने अभी यहाँ के विधायक है उन्होंने यूज की है, मगर ये इसको इस परियोजना को लाने वाले परनामी जी हैं, आप मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, स्कूल तो कभी गए नहीं, मैं जिस क्योंकि मैं भी ऐसे बचपन से देखता रहा हूँ, इस योजना को लाने वाले थे परनामी जी थे, मैं इसको लागू करवा दी इन्होंने खान साहब ने, चलो बहुत अच्छी बात है कि पानी पर समझ पानी पहुंचे थे साहब, आज क्या हालात आप देखोगे अपन ये साल आप बैठ के देख लो 15 मिनट मेरी दुकान के आगे रोड पे इतने इतने बच्चों से बच्चियां लड़के लेके बड़ी बड़ी लड़कियां रिक्शे चला रही क्यों चला रही है पानी, समस्याएं बहुत हैं, आप भी यहाँ जुड़े हैं, कई समस्याएं हैं कॉलोनी की, यहाँ पर लोग देखते हैं कि उनकी भी जो समस्याएं हैं वो दूर हो, किस तरह की समस्याएं आपकी इस कच्ची बच्ची क्षेत्र में? तो एक तो पानी की समस्या सबसे ज्यादा है यहाँ पे, और पानी इसलिए पहले जो 4-5 महीने में तो पानी तो आते थे यहाँ पे 3-4 टाइम आते थे, मगर वो पानी आजकल नहीं आना बंद हो गया, अब सिर्फ एक ही टाइम पानी आता है जो अभी आधे घंटे देता है, तो उसमें से पानी भरते नहीं है,
कि कई लोगों का पानी भरते नहीं है। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, और फिलहाल यहाँ पर कच्ची बस्तियों के सुधार के लिए क्या कुछ कार्य किए गए और यहाँ पर इनसे जाम जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि अलग अलग करीब 350 कॉलोनियां हैं जिनका पुनर्वास करने की तैयारी थी, फिलहाल सर्वे भी शुरू नहीं हो पाया। बताएं किस तरह की समस्याएं आ रही है। जयपुर शहर में खासकर जवाहर नगर कच्ची बस्ती का सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे के तुरंत बाद में चुनाव हो गए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। अब यह है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सर्वे पहले की सरकार ने करवा ही दिया था, और अगर ये चाहें तो ये इसका वो करवा सकते हैं। यहाँ के यहाँ बसाने के लिए जवाहर नगर कच्ची बस्ती को यथास्थान नियोजित। समस्या ये आती है कि हर बार जब चुनाव आते हैं वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों को अलग अलग सेशन वाइज श्रेणी वाइज अगर लोगों का पुनर्वास हो तो लोगों को कम से कम विश्वास तो हो, लेकिन फिलहाल ये समस्या जो की तो है कई सालों से। पहले जो सरकार थी उसने सर्वे का काम बहुत बाद में किया, लेकिन अब जो सरकार है उसको हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी सरकार का कार्यकाल अब शुरू हुआ है, सर्वे किया हुआ तैयार है, ये अगर चाहें तो अभी से इस काम को चालू कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई इसमें ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है। इससे पहले हमने माननीय हमारे वसुंधरा जी थी मुख्यमंत्री, तो उनसे हमने निवेदन किया था, तो उन्होंने जिला कलेक्टर को लिखा था कि ये जो जगह है वन विभाग से ले ली जाए और इसके स्थान पर वन विभाग को कहीं दूसरी जगह दे दी जाए, जिला कलेक्टर को लिखा था, लेकिन सरकार बदल गई, वो सारा वहां के वहां रुक गया। अब ये सरकार चाहे तो, क्योंकि वो कागज तो यही है, कागज तो कलेक्टर जो है तो उनके कार्यालय में ही है, वो चाहे तो उस कागज को निकलवा सकते हैं और निकलवा के उसको आगे की कार्रवाई चालू कर सकते हैं। हर पांच साल में सरकार बदलती है, लेकिन अगर सरकार की इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो कहीं ना कहीं कार्य होता है। क्योंकि अगर फिलहाल आपसे जुड़ेंगे, आप बता रहे थे कि किस तरह से करीब 350 जो कॉलोनियां हैं, बीच में आपने कई बार मुद्दे भी उठाए कॉलोनियों के, किस तरह की समस्याएं जो प्रशासन है उनमें और जो निकाय हैं जो संबंधित विभाग उसमें आ रहे हैं। मूल समस्या तो है कि कच्ची बस्ती में स्थानीय जो मुद्दा है वो आवास को लेकर गए, लेकिन समय समय पर शासन के जो पदाधिकारी है इन सब लोगों से मिले थे, तो उसमें मूल बात ये आती है कि वन विभाग को लेकर के ये आए दिन ये वन विभाग का डंगा लगा देते कि ये वन विभाग की भूमि है, यहाँ पर ये कच्ची बस्ती का यथे स्थानीय मान नहीं हो सकता था। संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं और संबंधित जो भी अधिकारी थे सबसे मिले, लेकिन इसका समाधान कोई भी नहीं हो पाया, स्थायी रूप से समाधान नहीं हुए। और हमेशा सोचते आश्वासन इस बस्ती को दिए जाते हैं, मैं लगभग 40-45 साल से यहाँ पे निवास कर रहा हूँ और हमेशा एक ही मुद्दा यहाँ पर कच्ची बस्ती में दिया जाता है कि अब की बार आपको स्थान मकान दे दिए जाएंगे, आवाज दे दिए जाएंगे, लेकिन सरकार आती है, सत्ता पक्ष आता है, विपक्ष आता है, सोते आश्वासन देकर के यूजेंट तो प्लास्टिक वाला गिलास समझ के यहाँ के वोटरों को लोग लुभावन करके चला जाता है। कोई भी कच्ची बस्ती के नियमन के लिए मतलब तहे दिल से हृदय से इस समाधान करने के लिए प्रयास नहीं करता, ये बिल्कुल सत्य है। चुनावी वादे करते हैं, सोते हैं तो वोट है, वोट ले लें और लोग लुभावन करके फिर आपको चक्कर हो जाता है। आप कुछ कह रहे थे, कोई आपके जो मुद्दे हैं वो बच गए थे, बता रहा था जैसे यहाँ की काफी लोगों ने गंदे पानी की शिकायत की थी। मैं कह रहा हूँ कि एक ये जी अपने ये आपको इसमें बता दूं, ये पार्षद श्रीमती संतरा वर्मा ने ये कार्रवाई की थी 2016 से, और 2017 में इसका एस्टिमेट बन के आ गया और टेंडर हो गया, और टेंडर के बाद में वर्क ऑर्डर हो गया। वर्क ऑर्डर 5 अक्टूबर 2018 को इसका वर्क ऑर्डर हो चुका था। उस समय ये एक क्षेत्रीय पार्षद के प्रयासों से ये सब हुआ था। आज उसका कोई कुछ भी कहे किसने किया, बाकी ये कागज है हमारे साथ, और जल्दी ही जो गंदे पानी की या कम पानी की या आधे घंटे जैसे पानी की जो समस्या या प्रेशर की जो समस्या बताते हैं, शायद ये जल्दी ही इसका समाधान हो जाएगा। देखिए जनप्रतिनिधि के तौर पे इन्होंने जो काम किया वो इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ की जो समस्याएं हैं वो बरकरार है, और फिलहाल किस तरह के प्रयास और होने चाहिए ताकि जल्दी लोगों को रिलीफ मिले, आपसे ही जानना चाहेंगे कि कब तक लोगों को रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि चुनाव है और चुनावों के वक्त इस तरह के मुद्दे होते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है वो ही पूरी सरकार बनाती है। मुद्दों का तो ये है कि जैसे जो भी समस्या बताते हैं, जैसे यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने जो समस्याएं बताई हैं, जैसे जैसे यहाँ जानकारी मिलती है उसका समाधान तुरंत किया जाता है,
और ये जल्दी ये हो जाएगा। कुछ काम हमारे ऐसे हैं जो आचार संहिता की वजह से रुके हुए हैं, तो आचार संहिता जैसे खत्म हो जाएगी उसके बाद में तुरंत वो काम भी चालू हो जाएंगे। और हम तो इनके अंदर ही बस्ती के अंदर ही रहने वाले हैं और इन्हीं लोगों से संपर्क में रहते हैं। जैसे जैसे जो समाधान समस्या बताई जाती है उसका समय के अनुसार मैं कह रहा हूँ सरकार बदलने के बाद क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो काम सैंक्शन हो चुका है वो काम कभी रुकता नहीं है। इतना तजुर्बा तो आपको भी होगा, मुझे भी है। बिल्कुल ये रुका नहीं ना, ये जो सरकार पहले की थी, बाकी जो सर्वे की बातें उठी है और जो दूसरा सर्वे है, सर्वे के कागज तो इनको शुरू करवाने चाहिए और हम भी उनको याद दिलाएंगे। दूसरी बात क्षेत्रीय पार्षद के, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के जो काम है वो जो अभी इसके आचार संहिता की वजह से रुके हुए हैं, तो वो तो आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद में चालू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसका समाधान करेंगे हम, दिक्कत नहीं आने देंगे, सारे काम करवाए जाएंगे। जैसे जनता बोलती है उसके काम समय पर होते रहते हैं। कुछ लोग पेंशन के लिए भी बोल रहे थे, तो पेंशन तो इस वार का एक रिकॉर्ड है, कोई भूल के से कोई रह जाता होगा, इस वार का रिकॉर्ड है कि पेंशन के तो हम ढूंढ ढूंढ के पेंशन करवाते हैं। या ये लोगों से पूछ लेते हैं कि और क्या पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है आपको, जो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पेंशन की भी समस्या आ रही है। लेकिन फिलहाल एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप वोट देते हैं, आप कैसा नेता चाहिए आपको, क्या कहे वो आपके लिए? तो मोदी चाहिए, मोदी जैसा करेक्ट वाला करंग नेता हो, बस हाँ। सुरक्षा देते हैं हम लोग, बस यही चाहते हैं पानी अच्छा है। जो चुनाव होना है और चुनाव में क्या नतीजे रहते हैं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल जयपुर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर ही हमें फोकस करना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं उनसे जाना चाहेंगे, आप बताएं समस्याएं यहाँ की। आप क्या सोचते हैं कि यहाँ जब बारिश का दिन होते हैं तो यहाँ पर पानी भर जाता है, मच्छर होते हैं, बच्चों की बीमारियां होती है और कच्ची बस्तियों में जो लोग होते हैं उनकी इतनी इनकम नहीं होती है कि वो इलाज करवा सके, समस्या बताएं। गंदगी यहाँ पे ज्यादा है और कुछ दे ना दे, दो चीज तो देना जरूरी है, पानी अच्छा दे और गट्टा की समस्या है, ये दोनों जरूर होना चाहिए और कुछ दे ना दे। ऐसे नेता चाहिए हम जो काम कर सके, कुछ कुछ काम नहीं होता। जब वोट का टाइम था तो रात रात आके यहाँ पे सब भीड़ जमा करते थे, अभी वोट हो गया तो नेता एक बार भी पूछने नहीं आते जो पानी आता है कि नहीं आता है, गटर लाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी जीत गया, अभी बारिश हुआ दो दिन पहले पूरा रास्ता जाम था, गटर जाम था, हम लोगों को जाना आना मुश्किल हो गया था। तो फिलहाल ये जयपुर की जनता है जहाँ पर कच्ची बस्तियों के ये लोग बासिंदे हैं, इन लोग वो ये भी सोचते हैं कि कब जाकर इनके अच्छे दिन आएंगे। और फिलहाल यहाँ पर जो जनता है वो ही डिमांड कर रही है कि उनका जो जनप्रतिनिधि है ऐसा जनप्रतिनिधि चुना जाए जो कि यहाँ पर जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन जो पूरी क्षेत्रीय कच्ची बस्तियां हैं जयपुर में करीब 350 से भी ज्यादा कच्ची बस्तियां हैं, कुछ एक कच्ची बस्ती ऐसी है जिनका सर्वे भी हो चुका है, लेकिन फिलहाल अब तक वो जो इनका जो प्लान है सरकारों का और जो नगरीय निकाय है उनका प्लान है वो अभी तक धरातल पर नहीं आ पाया है। और करीब 1500 के आसपास पूरे प्रदेश में कच्ची बस्तियां हैं, लेकिन फिलहाल जो मुद्दे होते हैं और कच्ची बस्ती सुधार से जुड़े जो लोग हैं वो मुद्दा जरूर उठाते हैं, लेकिन क्या ये मुद्दा केवल चुनाव तक सीमित जाएगा? फिलहाल लोकसभा के चुनाव है, राजस्थान जयपुर में भी वोटिंग होनी है 29 तारीख को और 6 मई को, लेकिन फिलहाल जनता का क्या कुछ रुख रहता है और किस तरह के जनप्रतिनिधि जनता अपने लिए चुन पाती है ये देखना होगा।